Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. In this lecture series, we'll discuss about second unit of strength of material. Mainly, we'll discuss about the second unit of strength of material. In this lecture number one, we will discuss about the beam, load and support. What is a beam? What is a load? What is a support? How many types of beam? How many types of load? And how many types of supports are used for engineering purpose? We will discuss here. Now, before starting our topic or subject, subject पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देखें, एक मैंने यहाँ member use किया है, दिखाया गया है, ये see, this is length of the member, this is depth of the member and this is width of the member. अब यहाँ हम देखें कि जो तीन dimension है length, width and depth, तो member का वो axis जो length से pass करता है, length के along होता है, उस axis को हम बोलते हैं longitudinal axis. Member का वो axis जो width के along होता है या depth के along होता है, उस axis को हम बोलते हैं lateral axis. तो member में जो तीन axis होगा वो एक longitudinal axis और दो lateral axis. वो axis जो along the length, the axis passes through the length of the body is called longitudinal axis. And the axis passes through the width and depth of the body is called lateral axis. Now, see, अगर member के member पर जो force लग रहा है, अगर member के longitudinal axis के along है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है और मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग है, यानी तो इट मे बी टेंसाइल और इट मे बी कंप्रेसिव. तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग है, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. यहाँ ये जो फोर्स जो ये दिख रहा है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. इसी तरह से अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ जो फोर्स दिख रहा है, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या लैटरल एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स और शियर फोर्स. ट्रांसवर्स फोर्स और शियर फोर्स. यहाँ ये जो फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये मेंबर के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर. तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है, अगर मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स और शियर फोर्स. इसी तरह से अगर मोमेंट, ये फोर्स की बात हो गई, अगर मोमेंट मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है, यहाँ ये जो मोमेंट लग रहा है, ये मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है,
यहाँ भी ये जो मोमेंट है ये मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है। तो अगर मोमेंट मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो उस टाइप के मोमेंट को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। इसी तरह से अगर मोमेंट मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो उस मोमेंट को हम बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो मोमेंट अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम ट्विस्टिंग मोमेंट, और टॉर्क अगर मोमेंट मेंबर के लैटरल एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। तो यहां हम अगर हम बात करें कि अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग था उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स, तो इसका जो इफेक्ट है एक्सियल लोड का जो इफेक्ट है ये हम पढ़ते हैं यूनिट वन में जो हम पढ़ चुके हैं। अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स और शियर फोर्स, इसका इफेक्ट हम देखेंगे यूनिट टू में। इसके साथ ही अगर मोमेंट जो लग रहा है मोमेंट अगर मेंबर के लॉन्ग लैटरल एक्सिस के अबाउट अगर लग रहा है तो उसके इफेक्ट को हम देखेंगे यूनिट टू में। और अगर मोमेंट का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट जो है अगर मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लग रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट, इसके इफेक्ट को हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर थ्री में। तो इस यूनिट में स्टार्ट करने से पहले ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि इस यूनिट में हम जो बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड इफेक्ट ऑफ मोमेंट एक्टिंग अबाउट द लैटरल एक्सिस। तो यहाँ हम ये तीन का इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स, इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट यानी कि मोमेंट अबाउट लैटरल एक्सिस। ये तीन जो यहाँ कलर में दिख रहा है 1, 2, 3 इसके इफेक्ट को हम यहाँ यूनिट नंबर टू में पढ़ेंगे। यहाँ हमको यहाँ पढ़ना है ये पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट पढ़ेंगे यूनिट नंबर थ्री में, और इसका इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर वन। जैसे हम यूनिट वन में पढ़े थे कि इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड मीन्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अब इट मे बी टेंसाइल, फर्स्ट फिगर में दिख रहा है टेंसाइल इन नेचर, सेकंड फिगर में दिख रहा है कंप्रेसिव इन नेचर। तो अगर फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल फोर्स है तो इसका जो इफेक्ट होता है मेंबर में एलोंगेट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, इट मे बी टेंसाइल स्ट्रेस, इट मे बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, स्ट्रेन, इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, सुपरफिशियल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो एक्सियल फोर्स का जो इफेक्ट है एलोंगेशन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस स्ट्रेन वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ये हम यूनिट वन में पढ़ चुके हैं। यहाँ अब हम सेकेंड यूनिट की हम बात अगर करें तो सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे जो पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग। तो इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स फोर्स इज आल्सो कॉल्ड शियर फोर्स। तो ट्रांसवर्स फोर्स के लिए हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये 2 न्यूटन 3 न्यूटन का जो फोर्स दिख रहा है तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। तो मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स। तो अगर मेंबर के दोनों एंड पर यहाँ एक मेंबर है, दोनों एंड पर एक सपोर्ट यहाँ है दूसरा सपोर्ट यहाँ है, दोनों एंड पे सपोर्ट है और यहाँ जब हम ट्रांसवर्स लोड अप्लाई करेंगे तो इस ट्रांसवर्स फोर्स के कारण मेंबर क्या होगा बेंड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो इसके कारण मेंबर क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि ये जो दिख रहा है
रेड कलर में, ये इनिशियल पोजीशन है। लोड अप्लाई होने से पहले ये पोजीशन था, जब लोड अप्लाई किया गया 2 न्यूटन का 3 न्यूटन का, तो इसके कारण मेंबर जो है क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बेंड हो गया। तो यहाँ तो इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोड, अगर मेंबर पर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो इसके कारण क्या होगा, मेंबर जो है बेंड होगा, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो अगर मेंबर पर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो मेंबर में मेंबर बेंड होगा, यानी कि बेंडिंग होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके कारण शियर स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस, मेंबर में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इतनी चीज ट्रांसवर्स लोड का जो इफेक्ट होगा वो ये है कि बेंडिंग स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में, यानी कि इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग दैट इज बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यानी कि यूनिट 2 इज मेनली रिलेटेड विद द इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग। तो इस तरह से यूनिट 2 का यूनिट 1 से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट 2 डिस्कस करता है अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग, यूनिट 1 जो डिस्कस करता है अबाउट इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग, और यूनिट 2 डिस्कस करता है अबाउट इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोडिंग। तो इस तरह से यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है। यूनिट 1 से यूनिट 2 का कोई लेना देना नहीं है, यूनिट 2 का यूनिट 1 से कोई लेना देना नहीं है। तो नाउ अब अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 में जो हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेकेंड टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, थर्ड टॉपिक शियर स्ट्रेस इन बीम्स एंड फोर्थ टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये 4 टॉपिक हम यहाँ यूनिट 2 में पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेकेंड वन बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, थर्ड वन शियर स्ट्रेस इन बीम्स, फोर्थ वन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अब यहाँ फर्स्ट जो टॉपिक की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जानने से पहले हमको कुछ फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें जाननी चाहिए। जैसे फर्स्ट बीम, व्हाट इज ए बीम, बीम होता क्या है। तो बीम का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी भी मशीन या स्ट्रक्चर का वो एलिमेंट जिसका एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो और उस पर अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा हो तो उस मेंबर को हम बोलते हैं बीम। यहाँ क्या लिखा है डिफिनेशन बेटा, एनी मेंबर ऑफ ए मशीन और स्ट्रक्चर whose one dimension is very large as compared to other 2 dimensions and which can take lateral forces in axial plane is called a beam। यानी कि 3 डायमेंशन, अगर एक कोई एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, जैसे अगर लेंथ में किसी मेंबर का लेंथ अगर उसके विड्थ और डेप्थ के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, 3 डायमेंशन यानी कि एक हो गया लेंथ, दूसरा डायमेंशन हो गया विड्थ, तीसरा डायमेंशन हो गया डेप्थ। तो अगर मेंबर का लेंथ उसके विड्थ एंड डेप्थ के रेस्पेक्ट में, जैसे हम पहले यहाँ फिगर में देख चुके थे कि यहाँ ये हो गया लेंथ, ये हो गया डेप्थ, ये हो गया विड्थ। तो अगर मेंबर का लेंथ अगर उसके डेप्थ और उसके विड्थ के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है और उस मेंबर पर अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड का मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहां से
अगर यहाँ डिफिनीशन जो है कि मेंबर का, अगर इन जनरल अगर बोलें कि मेंबर का लेंथ अगर उसके विड्थ और डेप्थ के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है और उस पर अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो किसी भी मशीन या स्ट्रक्चर के उस एलिमेंट को, उस मेंबर को हम बोलते हैं बीम। तो डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि एनी मेंबर ऑफ ए मशीन और स्ट्रक्चर हुज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशंस एंड विच कैन टेक लैटरल फोर्सेस। लैटरल फोर्सेस इज ट्रांसवर्स फोर्स इन एक्सियल प्लेन इज कॉल्ड ए बीम। ये हो गया डिफिनेशन ऑफ बीम। अब सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने टाइप का होता है? तो बीम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू फाइव वेज। फर्स्ट वन इज कैंटिलीवर बीम, सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम, थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस बीम, फिफ्थ वन इज फिक्स्ड बीम। अब फर्स्ट वन हम बात करें कैंटिलीवर बीम। अगर बीम का एक इंड, ये हो गया जो येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज बीम। अगर बीम के एक इंड पर फिक्स सपोर्ट हो और दूसरा इंड फ्री हो, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अगर यहाँ बीम के एक इंड पर, ये हो गया बीम के एक इंड पर अगर फिक्स सपोर्ट है और दूसरे इंड अगर फ्री है, यहाँ किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, तो उस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। मीन्स इफ वन इंड ऑफ बीम इज फिक्स्ड एंड अदर इंड ऑफ बीम इज फ्री, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड ए कैंटिलीवर बीम। बीम के एक इंड पर फिक्स सपोर्ट, दूसरा इंड पर फ्री अगर है, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम का फिगर दिया हुआ है। यहाँ ये रेड कलर में दिख रहा है, दिस इज बीम, ये है बीम। अगर बीम के एक इंड पर, अगर बीम के एक इंड पर हिंज सपोर्ट है, अगर बीम के एक इंड पर हिंज सपोर्ट है और दूसरे इंड पर, बीम के दूसरे इंड पर अगर रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो उस टाइप के बीम को बोलते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। इफ वन इंड ऑफ बीम हैविंग हिंज सपोर्ट एंड अदर इंड ऑफ बीम हैविंग रोलर सपोर्ट, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। हिंज सपोर्ट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ट्रायंगल बना करके ऊपर एक सर्किल, रोलर सपोर्ट के लिए सिंबल यूज करते हैं एक ट्रायंगल बना करके ट्रायंगल के नीचे बहुत सारे सर्किल। ये सिंबल हो गया रोलर सपोर्ट का, ये सिंबल हो गया हिंज सपोर्ट का। तो किसी भी बीम के अगर एक इंड पर हिंज सपोर्ट है और दूसरे इंड पर अगर रोलर सपोर्ट है, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज ओवर हैंगिंग बीम। थर्ड वन इज ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, यहां बीम में अगर दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट है, एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट जो है वो रोलर सपोर्ट है, और बीम का या तो एक इंड या बीम का दोनों इंड अगर सपोर्ट से बाहर जा रहा है, यानी कि सपोर्ट से ओवर हैंग कर रहा है, या क्या देख रहे हैं कि बीम का इतना पोर्शन जो है ये सपोर्ट से बाहर है, यानी कि ओवर हैंग कर रहा है, तो अगर बीम का पोर्शन एक इंड या दोनों इंड पर सपोर्ट से अगर बाहर है, इसको बोलते हैं ओवर हैंग होना। तो अगर सपोर्ट से बाहर है, ओवर हैंग हो रहा है, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। यानी कि इफ वन इंड ऑफ बीम और बोथ इंड ऑफ द बीम्स आर ओवर हैंग टू द सपोर्ट, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड ओवर हैंगिंग बीम। अगर यहां से फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस,
अगर बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट है, अगर बीम में मोर देन टू सपोर्ट है, इफ ए बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। अगर किसी भी बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट है तो उस टाइप के सपोर्ट को हम बोलते हैं, सॉरी उस टाइप के बीम को बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। नाउ फिफ्थ वन इज फिक्स्ड बीम। फिफ्थ वन इज फिक्स्ड बीम, या दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड बीम। अगर किसी बीम के दोनों इंड पे, अगर बीम के दोनों इंड पर अगर फिक्स सपोर्ट है, बीम के दोनों इंड पर अगर फिक्स सपोर्ट है, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट, इस इंड पर भी और इस इंड पर भी अगर फिक्स सपोर्ट है, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। इफ बीम हैविंग फिक्स सपोर्ट एट बोथ द एंड्स, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। तो ये हो गया बेटा पांच टाइप के बीम्स। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोड, तो मेनली जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं या जानते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड। वन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड, सेकेंड वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड? डिफिनेशन यहां लिखा हुआ है बेटा कि ये लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज नोन एज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। अगर लोड बीम के किसी पॉइंट पर लग रहा है तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 न्यूटन का ये जो लोड है, 2 न्यूटन का जो लोड है पॉइंट बी पर लग रहा है, 3 न्यूटन का जो लोड है ये पॉइंट सी पर लग रहा है। तो अगर लोड बीम के किसी पॉइंट पर लग रहा है तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। ओके, सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं UDL। देन व्हाट इज यूडीएल? डेफिनेशन है, ए लोड व्हिच स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच ए मैनर दैट ईच यूनिट लेंथ इज लोडेड टू द सेम एक्सटेंट। ईच यूनिट लेंथ इज लोडेड टू द सेम एक्सटेंट इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि यहां अगर लोड जो है बीम के पार्ट ऑफ द पोर्शन, बीम के पार्ट ऑफ द पोर्शन या थ्रू आउट द बीम अगर लोड लग रहा है और लोड की इंटेंसिटी थ्रू आउट अगर सेम है, उसके इंटेंसिटी अगर थ्रू आउट सेम है तो उस टाइप के लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूडीएल। यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है पॉइंट लोड जो लग रहा है पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी के बीच, और लोड की इंटेंसिटी पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी के बीच थ्रू आउट जो लोड की इंटेंसिटी है वो कितनी है? 2 न्यूटन पर मीटर। तो अगर लोड की इंटेंसिटी जितने बीम के जितने पोर्शन में लग रहा है, पार्ट ऑफ द बीम और फुल लेंथ ऑफ द बीम और होल लेंथ ऑफ द बीम जितने पोर्शन में लग रहा है, अगर लोड की इंटेंसिटी थ्रू आउट अगर सेम है तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं UDL, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ जो फिगर में है बी से लेकर के सी के बीच में जो लोड लग रहा है और लोड की इंटेंसिटी थ्रू आउट कितना है? 2 न्यूटन पर मीटर। तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और U शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं UDL। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ लोड है, जो थर्ड टाइप ऑफ लोड है दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड।
यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं UBL, UBL, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड को हम डिफाइन करते हैं ए लोड विच इज स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच ए मैनर दैट इट एक्सटेंड वेरीज यूनिफॉर्मली ऑन ईच यूनिट लेंथ इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर लोड की इंटेंसिटी मेंबर पर अगर मेंबर के थ्रू आउट लेंथ या पार्ट ऑफ द लेंथ पर अगर लोड लग रहा है और लोड की इंटेंसिटी थ्रू आउट अगर चेंज हो रहा है तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोड दिख रहा है, ये जो लोड लगा हो लग रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी के बीच। पॉइंट बी पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 न्यूटन पर मीटर। पॉइंट सी पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 4 न्यूटन पर मीटर। और लोड पॉइंट बी पर 0 है, पॉइंट सी पर 4 न्यूटन पर मीटर है, और लोड की जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर लोड की इंटेंसिटी जितने डिस्टेंस में लोड लग रहा है, अगर लोड की इंटेंसिटी अगर विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये तीन टाइप के लोड हो गए, पॉइंट लोड, UBL एंड UDL। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ सपोर्ट। यहाँ जो हम लोगों ने अभी तक बीम देखा कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट कैसा है, रोलर सपोर्ट है। हम कैंटिलीवर बीम देखे थे, कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट कैसा था, कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट था फिक्स सपोर्ट, फिक्स बीम में सपोर्ट कैसा था, फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ जितने भी हम बीम देख रहे हैं सभी बीम में जो सपोर्ट है वो कैसा है, या तो हिंज सपोर्ट है, या रोलर सपोर्ट है, या फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ मेनली जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मेनली सपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू 3 वे। वन इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट, थर्ड वन इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट। जिस सपोर्ट के ऊपर हम बीम को रखते हैं तो यहाँ जो सपोर्ट होगा, बीम जो होगा उसका जो सपोर्ट होगा, इसमें से या तो कोई एक होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सपोर्ट। तो यहाँ से रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। अब जो हम बात कर रहे हैं तीनों सपोर्ट के बारे में कि रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये तीनों सपोर्ट के बारे में आगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने से पहले ये तीनों सपोर्ट के बारे में बेसिक चीजें हम जानें कि सपोर्ट हम प्रोवाइड क्यों करते हैं भाई। तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसके मोशन को कॉन्स्टेंट करने के लिए, बीम के मोशन को रोकने के लिए। तो यहाँ हम फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रोलर सपोर्ट का। अगर फर्स्ट रोलर सपोर्ट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रोलर सपोर्ट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के नीचे सर्कल, तो ये सिंबल हो गया, दिस इज द सिंबल ऑफ रोलर सपोर्ट। जस्ट आप एज्यूम करें कि स्केट्स या टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी बात करें जिसके नीचे व्हील्स लगा हुआ है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि रोलर सपोर्ट, अगर सपोर्ट रोलर है, अगर इस पर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम अप्लाई करें, आप स्केट्स के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स जब अप्लाई किया जाएगा, तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे मेंबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है और इसके ऊपर हम जो एक्टिव फोर्स, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे
तो ये मेंबर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। मेंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं तो सपोर्ट उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, उसको रेसिस्ट नहीं कर रहा है, उसको रोक नहीं रहा है। जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया, मेंबर लुढ़कना शुरू हो गया, मूव होना शुरू हो गया। तो मूव होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि एक्टिव फोर्स अप्लाई की और मेंबर क्या हुआ, मूव हो गया। यानी कि यहाँ अगर हम बात करें, ये मेंबर है, अगर यहाँ जैसे ही यहाँ हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर ये मूव हो रहा है, अगर हम इस पर जो मेंबर है, तो ये अगर हम बात करें, ये बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी को अगर हम यहां से छोड़ दें, यहां आके रुक गया, ठीक है। अब ये बॉडी का जो वेट है मेरे हाथ के ऊपर लग रहा है, अगर ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी जितना फोर्स मेरे हाथ के ऊपर लगा रहा है उतना ही हाथ जो है ये बॉडी के ऊपर लगा रहा है। इस मेंबर के लिए ये हाथ क्या हो गया बेटा, सपोर्ट, जो कि इसकी इस पोजीशन पर मेंटेन किए हुए हैं। तो ये जो बॉडी है, जो इस सपोर्ट के ऊपर, हाथ के ऊपर जो फोर्स लगा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स। और हाथ जो है ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव फोर्स। तो अगर ये बॉडी में किसी तरह का कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्टिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिव फोर्स। लेकिन इसको हम अपने हाथ पे रखे हुए हैं, यहां हम रखे हुए हैं, ठीक है। और इस पर अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें, ये क्या हो गया, मूव होना शुरू हो गया। यानी कि जैसे इस पर जब हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया, जब इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, ये मूव होना शुरू हो गया। यानी कि ये जो हाथ है, सपोर्ट है, इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को, मेंबर के हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है। तो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, यहाँ फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया और ये मूव होना शुरू हो गया। यानी कि ये सपोर्ट है, जो हाथ सपोर्ट है, ये इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, अगर इसके ऊपर सपोर्ट रोलर है, अगर इसके ऊपर हम मोमेंट अप्लाई करें, मोमेंट अप्लाई करें, तो जैसे ही मोमेंट अप्लाई करेंगे, ये जो मेंबर है ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। मेंबर जो है क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। यानी कि रोलर सपोर्ट इसके टर्निंग को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इसको रोकेगा नहीं, इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इसको कॉन्स्टेंट नहीं करेगा। तो यहाँ हमको यही जानना है कि अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, तो मेंबर के सिर्फ वर्टिकल मोशन को, मेंबर के सिर्फ वर्टिकल मोशन को ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ वर्टिकल मोशन को रोक रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा। मोमेंट कोई भी टर्निंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी रिएक्टिव मोमेंट ऑफर नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, किस मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो जाएगा जीरो, रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट हो जाएगा जीरो। तो यहाँ
आगे हम सॉल्व करेंगे तो अपने को जरूरत पड़ेगा, या आप गेट वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां अपने को ये ध्यान में रखना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है या पब्लिक सेक्टर में क्वेश्चन आता है कि अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो यहाँ ध्यान दें, अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, वन। और वो वन कौन सा रिएक्शन होगा, दैट इज द ओनली वर्टिकल रिएक्शन। अगर सपोर्ट रोलर सपोर्ट है तो वर्टिकल रिएक्शन सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और ये मोमेंट ड्यू टू रिएक्शन या रिएक्टिव मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स यहाँ जो अपन लिखे हैं कि डज नॉट अलाउड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू अपवर्ड एक्टिव फोर्स, मीन्स सपोर्ट ऑफर्स रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हिंज सपोर्ट है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो जाएगा जीरो, मोमेंट ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर सपोर्ट रोलर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन, और वो रिएक्शन कौन सा होगा, ओनली वर्टिकल रिएक्शन, ओनली वर्टिकल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ सेकेंड वन इज हिंज सपोर्ट, सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट जो हम लोगों ने देखा है, दैट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, जस्ट लाइक आप एज्यूम कीजिए कि घर के आपका जो डोर है जो फ्रेम से लगा हुआ है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा, कब्जा को इंग्लिश में बोलते हैं हिंज। तो अगर कोई मेंबर एक दूसरे से हिंज सपोर्ट से अगर कनेक्टेड है, तो हिंज सपोर्ट से कनेक्टेड है तो अगर आप डोर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डोर मूव नहीं होगा। यानी कि अगर सपोर्ट हिंज है, अगर सपोर्ट हिंज है तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव होने नहीं देगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव होने नहीं देगा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन को हिंज सपोर्ट क्या कर रहा है भाई, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हिंज सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर करेगा। अगर आप डोर के ऊपर बैठ जाएं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो डोर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यानी कि जो हिंज सपोर्ट है इसके वर्टिकल मोशन को जो है उसको प्रिवेंट कर रहा है। यानी कि हिंज सपोर्ट है तो वर्टिकल मोशन को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के साथ साथ वर्टिकल रिएक्शन भी ये ऑफर करेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे को हम बंद करते हैं, टर्न करते हैं, मोमेंट अप्लाई करते हैं, डोर क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। यानी कि जैसे ही एक्टिव मोमेंट अप्लाई करेंगे बॉडी जो है क्या, तुरंत टर्न हो जाएगा, यानी कि सपोर्ट किसी भी तरह का रिएक्टिव मोमेंट ऑफर नहीं करेगा। तो अगर सपोर्ट हिंज सपोर्ट है तो मेंबर के हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट करता है मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर करता है, मेंबर के वर्टिकल मोशन को प्रिवेंट करता है यानी कि हिंज सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन ऑफर करता है। लेकिन जैसे ही आप मोमेंट अप्लाई करेंगे जो बॉडी है वो टर्न हो जाएगा, इसका मतलब है कि हिंज सपोर्ट जो है ये रोटेशन को प्रिवेंट नहीं करता है, मोमेंट को प्रिवेंट नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी मोमेंट के अगेंस्ट में हिंज सपोर्ट रिएक्शन ऑफर नहीं करता है। तो मैक्सिमम नंबर, अगर सपोर्ट हिंज सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दो, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल। तो यहाँ वही आप लिखिए कि अगर सपोर्ट हिंज सपोर्ट है तो वर्टिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सॉरी सॉरी दिस इज हिंज सपोर्ट, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर रोलर सपोर्ट, दिस इज हिंज सपोर्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द हिंज सपोर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टू। अगर रोलर सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन वन, अगर हिंज सपोर्ट है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन रोल आउट सपोर्ट हियर, इट इज हिंज सपोर्ट, जस्ट कंसीडर हिंज सपोर्ट। तो अगर
सपोर्ट हिंज है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो। नाउ थर्ड वन फिक्स सपोर्ट, थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, दिस इज फिक्स सपोर्ट। यहां से अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल दीवार में आपने कोई मेंबर या रॉड को लेकर के दीवार में अगर आपने फिक्स कर दिया बाय द हेल्प ऑफ आरसीसी सीमेंट कंक्रीट जो भी है, अब यहां एक इंड यहां आपने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, एक इंड क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। अब इस पर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, यहां हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मशीन डिजाइन में हम ऑलवेज बात करते हैं बिफोर फेल्योर, नॉट आफ्टर फेल्योर। तो दीवार या रॉड को फेल होने से पहले अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फिक्स सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव होने देगा क्या, नहीं देगा। यानी कि फिक्स सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर करेगा। अगर हम इस पर वर्टिकल फोर्स अप्लाई करें, तो ये जो फिक्स सपोर्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को मूव होने देगा क्या, नहीं देगा। यानी कि वर्टिकल मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि फिक्स सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन ऑफर कर रहा है। अगर हम इसको टर्न करना चाहें, अगर इसको हम ले करके रोटेट करना चाहें, तो रोटेट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। रोटेट ये तभी होगा जब या तो सपोर्ट फेल हो जाए या बीम फेल हो जाए, लेकिन हम पढ़ते क्या है बिफोर फेल्योर। तो जब हम इस पर मोमेंट अप्लाई करेंगे तो मोमेंट के कारण ये टर्न करना चाहेंगे तो जो सपोर्ट है, ये जो फिक्स सपोर्ट है, बॉडी को टर्न होने नहीं देगा। यानी कि टर्न होने नहीं देगा यानी कि रोटरी मोशन को भी ये क्या करेगा, फिक्स सपोर्ट अलाउ, यहाँ जो रोटरी मोशन को भी प्रिवेंट करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक्टिव यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिक्स सपोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव नहीं होने दे रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई अगर कर रहे हैं तो फिक्स सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी को मूव होने नहीं दे रहा है। अगर हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो फिक्स सपोर्ट इसको रोटेट होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी के तीनों मोशन को फिक्स सपोर्ट प्रिवेंट कर रहा है, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड रोटरी मोशन, यानी कि तीनों डायरेक्शन में मोशन को प्रिवेंट कर रहा है। यानी कि जो सपोर्ट है वर्टिकल रिएक्शन ऑफर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर कर रहा है एंड रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट ऑफर कर रहा है। तो अगर सपोर्ट कहीं भी फिक्स सपोर्ट है तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द फिक्स सपोर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो अगर सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है, सी प्लीज रीड, दिस इज फिक्स सपोर्ट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द फिक्स सपोर्ट इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द हिंज सपोर्ट इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय द हिंज सपोर्ट इज इक्वल रोलर सपोर्ट इज इक्वल टू 1। यानी कि रोलर सपोर्ट मैक्सिमम कितना रिएक्शन ऑफर करेगा, 1। वो कौन सा रिएक्शन होगा, वर्टिकल रिएक्शन। अगर हिंज सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना ऑफर करेगा, 2, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। लेकिन अगर हिंज सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो ऑफर करेगा वो 3, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट। तो ये दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स, ये फंडामेंटल चीजें थी जो हमको जानना चाहिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने से पहले। इतनी बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए कि बीम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लोड कितने टाइप का होता, लोड क्या होता है, लोड कितने टाइप का होता है, सपोर्ट क्या होता है और सपोर्ट कितने टाइप का होता है, जो रिएक्शन क्या होता है, हिंज सपोर्ट है तो कितना रिएक्शन ऑफर करेगा, अगर रोलर सपोर्ट है तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर करेगा, अगर फिक्स सपोर्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना ऑफर करेगा,
तो इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने से पहले। उससे पहले एक छोटी सी चीज और हम रिकॉल करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। अगर मेंबर के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेंबर पर अगर यूडीएल लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेंबर पर अगर यूवीएल लग रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड और हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हर जगह पूरे यूनिट में इस फंडामेंटल चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो गुड डे, अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन व्हेन ए बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड यूडीएल एंड यूवीएल। थैंक यू एंड गुड डे।